उज्जैन के जस्साखेड़ी गांव में शादी में आए मेहमानों से भरे घर को तहसील कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने किया धराशायी। उज्जैन के वडनगर तहसील में आने वाले जस्साखेड़ी गांव में निवास करने वाले गरीब परिवार के घर बेटा बेटी की शादी में मेहमान आए हुए थे। शादी के कार्यक्रम हो रहे थे तभी वहां पहुंचे तहसील से अधिकारी कर्मचारियों ने शासकीय जमीन पर बने हुए मकान को धराशायी कर दिया। उज्जैन के वडनगर तहसील के रुणीजा रोड पर जस्साखेड़ी गाँव में शासकीय जमीन पर बरसों से कई गरीब परिवारों ने मकान बना रखे थे और वे अपने परिवारों के साथ यहाँ मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक परिवार में इस समय विवाह की तैयारियाँ पूर्ण हैं। विवाह की रस्में और शादी में होने वाले मांगलिक कार्य हो रहे हैं, किंतु अचानक इनकी खुशियों पर नजर लगी और प्रशासनिक अधिकारी हमले के साथ पहुंचे और शासकीय जमीन में बना हुआ गरीब परिवार का मकान धराशायी कर दिया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या दिक्कत है? गिनने तोड़ दिया? पटवारी और तहसीलदार साहब ने मिलकर इनसे पैसे लेके ये हमें जगह बना दी और बेच दी और तोड़ दिया गरीब का मकान। 25 तारीख को शादी है। ये कौन सा गांव है और क्या हुआ क्या पूरा? जस्साखेड़ी। कब है आपके यहाँ पर शादी? कब है? 21-22 को। किस प्रकार से क्या हुआ और किन की शादी है? ये लड़की की है ना, लड़का की शादी। अच्छा। दोनों की है शादी। तो साहब वो शादी में जुटे हुए हैं और इधर प्रशासन ने ये मकान तोड़ा दिया इनका और ये समूह लेके कंप्रेशन पर लाया और ये मकान भी समूह से लाया है सर। और इससे कमा के इन्हें दोनों बच्चों की शादी है अभी 21-22 तारीख को। आज प्रशासन ने ऐसा कर दिया, तोड़ दिया मकान सर। और पूरा जस्साखेड़ी में सबकी अतिक्रमण में और एक ही अतिक्रमण में इसका ही तोड़ा है सर। क्या कोई अतिक्रमण नहीं है यहाँ से आज तक? सबका अतिक्रमण में साहब, एक को ही अतिक्रमण लाए है। और बेचारे का घर शादी है, समूह निकाल के दुकान बांधी थी और यही तोड़ दिया सर। किस प्रकार से क्या रहा? ये ग्राम जस्साखेड़ी में भक्तूलाल के विरुद्ध में लगभग एक साल पहले आदेश पारित हुआ था यहाँ पे जिला कोर्ट से। उसके बाद अपील जो इन्होंने की थी एजीएम साहब महोदय के यहाँ पे, वो भी खारिज हो गई थी। इसमें जिनको 6 सूचना पत्र दिए गए थे अतिक्रमण हटाने के, फिर भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया था। साथ ही इसमें एक CML क्लाइम भी जो है लगातार 400 दिन के आसपास की जो है ऊपर चल रही है, उसमें भी साहब को जवाब देना पड़ता है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए जब इनको 6 प्रयास के हमने नोटिस दिए, इनको नहीं हटाया इन्होंने, तो आज के साधन को खुद ही मजदूरों को हटाना पड़ा। अच्छा सर, मुख्य रोड पर और किस प्रकार चिन्हित किया जाएंगे अतिक्रमण में? आगे भी नियंत्रण जारी रहेगी और क्या रहेगा आगे भी? जो हमारे प्रखंड चल रहे हैं उनमें जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी लगातार, नियम विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।